इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। संभव अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ जाती है। बड़े बड़े उद्योगपति भारत की पूंजी लेकर इस सरकार के संरक्षण में फरार हो जाते हैं और मेरे बेरोजगार नौजवानों को ठेंगा दिखाया जाता है सरकार के द्वारा। गुस्से में लाल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी शाह को घेर डाला। संसद के मॉनसून सत्र का आज 17वां दिन है और संसद में महंगाई को लेकर विपक्ष और कांग्रेस ने भूचाल मचा रखा है। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच नेशनल हेराल्ड केस के चलते राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया, जिससे कांग्रेस ही भाजपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस को समर्थन देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यह वीडियो, जिसमें सिंधिया ने कहा कि भारत की पूंजी को बड़े बड़े उद्योगपति ले जाते हैं और मेरे देश के बेरोजगारों नौजवानों को सरकार द्वारा ठेंगा दिखा दिया जाता है। मेरा किसान, मेरा नौजवान, मेरी महिला पस्त हो चुकी है, वही ये भाजपा के मंत्री संतरी तंत्री पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं। जिस भारत की बात ये करते हैं, जिन अच्छे दिलों की बात करते हैं, जो नई इंडिया की बात करते हैं, जहां भाई भाई के बीच में भाईचारा के विपरीत द्वेष भावना अर्जित कराने की कोशिश करते हैं, जहां सरकार स्वयं रक्षक के बदले में भक्षक बन जाता है और किसानों के छातियों के ऊपर गोली चलाई जाती है, एक ऐसा भारत, एक नया इंडिया, जहां महिलाओं के ऊपर दिन दहाड़ा बलात्कार कह जाती है। बड़े बड़े उद्योगपति भारत की पूंजी लेकर इस सरकार के संरक्षण में फरार हो जाते हैं और मेरे बेरोजगार नौजवानों को ठेंगा दिखाया जाता है सरकार के द्वारा। अपने वीडियो में देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार को खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार रक्षक के बदले भक्षक बन जाती है और भाजपा के मंत्री मस्त नजर आते हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो पुराना है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस फायर भाषण से मोदी शाह की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। दरअसल देश में महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है और जनता का जीना दुश्वार होता दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया के इस बयान से मोदी सरकार पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल सिंधिया और प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से निधि काले की रिपोर्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए।